नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं द बॉटम लाइन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैरियट होटल में रविवार 19 मार्च 2023 सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मेगा फेयर। मंडी में सुसने किया एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च। SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया SBI डिविडेंड यील्ड फंड। और आयुष शर्मा अजर बेजान में शूट करेंगे अपने आगामी एक्शन एंटरटेनर का आखिरी शेड्यूल। इंदौर में 19 मार्च 2023 रविवार को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडुफेयर का आयोजन होने जा रहा है। भविष्य के लिए बेहतर अवसर तलाश रहे स्टूडेंट्स इंदौर के इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस फेयर को मैरियट होटल विजयनगर इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ताइवान की टेक जायंट कंपनी एसुस इंडिया ने देश भर में ब्रांड के रिटेल फुटप्रिंट को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए मंडी में एक विशेष स्टोर लॉन्च की घोषणा की है। 300 वर्ग फुट में फैला हुआ ये नया एक्सक्लूसिव स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर की विस्तृत श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें वीवो बुक, जेन बुक, ZenBook Flip और Republic of Gamers ROG लैपटॉप्स जैसे प्रमुख Asus प्रोडक्ट्स शामिल हैं। MC ऑफिस के पास स्थित यह मंडी का पहला ब्रांड एक्सक्लूसिव स्टोर है। विस्तार के बारे में बात करते हुए Asus इंडिया बिजनेस ग्रुप के बिजनेस हेड कंज्यूमर एंड गेमिंग PC सिस्टम अर्नोल्ड सू ने कहा कि हम भारत में अपनी रिटेल फुटप्रिंट के विस्तार की घोषणा करके बेहद खुश है। हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, ऐसे में मंडी में नए ब्रांड स्टोर का उद्घाटन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। SBI म्यूचुअल फंड ने SBI डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो प्रमुख रूप से डिविडेंड देने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी संबंधी साधनों के अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करेगा। इस फंड का प्रथम श्रेणी बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI होगा। इस स्कीम का निवेश उद्देश्य निवेशकों को पूंजी वृद्धि या डिविडेंड आमदनी प्रदान करना होगा, जिसके लिए प्रमुख रूप से डिविडेंड देने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी संबंधी साधनों के एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश किया जाएगा। फंड का निवेश उद्देश्य हासिल करने के लिए अलग अलग बाजार पूंजी आकार वाली कंपनियों में निवेश करना प्रस्तावित है, जो किसी भी प्रकार और किसी भी सेक्टर की हो सकती है। इन कंपनियों का डिविडेंड भुगतान आकर्षक होगा और डिविडेंड में वृद्धि की संभावना भी रहेगी। SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO शमशेर सिंह ने कहा, हमें SBI डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च करते हुए बेहद खुशी है। ये एक ऐसी पेशकश है जो निवेशकों को अधिक डिविडेंड देने वाली और लगातार बढ़ने वाली अलग अलग प्रकार की कंपनियों का समावेश होगा। नियमित अंतर्दृष्टि के साथ आयुष शर्मा की आगामी महत्वाकांक्षी फिल्म AS04 सबसे प्रत्याशित और प्रतीक्षित रिलीज के बीच उभर रही है। आयुष की एक्शन एंटरटेनर के करीब बढ़ते हुए अजरबैजान में 10 दिनों के शेड्यूल के साथ आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के लिए तैयार है। इस बारे में खुलासा करते हुए फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि AS04 हाल के दिनों की सबसे महत्वाकांक्षी एक्शन फिल्मों में से एक है, जिनमें सभी विभागों की सर्वश्रेष्ठ टीमें कार्यरत है। फिल्म की शूटिंग पिछले साल मुंबई में शुरू हुई थी और फिल्मांकन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। अब हम बाकू अजरबैजान में आखिरी शेड्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। आयुष शर्मा 10 दिन के शेड्यूल के लिए जल्द ही अजरबैजान के लिए उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल अपने जन्मदिन पर आयुष शर्मा ने AS04 की झलक दिखाई थी, जो बॉलीवुड में उनकी चौथी फिल्म है। श्री सत्यसाई आर्ट्स के बैनर तले के राधा मोहन द्वारा निर्मित अभी तक अनटाइटल्ड एक्शन एंटरटेनर AS04 में आयुष शर्मा मुख्य भूमिका में है, जिसमें पहली बार अभिनेत्री सुश्री मिश्रा ने भी अभिनय किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी इस तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए ट्रिपल के साथ।